हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर होते हुए। तो आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, आपको सीरीज मिसिंग लगती है, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरे सारे ट्यूटोरियल एक सीरीज में अवेलेबल है, तो आप उन्हें यहाँ पर इजिली देख सकते हैं। तो आइए हमारा ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे फेवरेट शेड्यूल में स्टाफ को ऐड कराया था, देन स्टाफ की लिस्टिंग शो कराई थी, देन उसे हमने अपडेट करने का कोड किया था। इसने स्टाफ अपडेट हो चुका है एंड आज हमें स्टाफ को डिलीट करने का कोड करना है। तो हम जब करते हैं डिलीट बटन क्लिक, तो अभी कंडीशन में ये हो रहा है कि एक डिलीट नाम का फंक्शन है, तो हमें स्टाफ कंट्रोलर के अंदर ही डिलीट फंक्शन बनाना है। तो हम यहाँ से फंक्शन बनाएंगे, तो हम चलते हैं इसके लिए स्टाफ में और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन देन यहां पर हम लिखते हैं आईडी को। पहले हम आईडी को डिस्प्ले कराएंगे, तो लिखते हैं डॉलर आईडी, एको डॉलर आईडी सेमी कॉलन। देन इसे करते हैं रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर आईडी आ रही है। तो अब हमें इस आईडी के करस्पॉन्डिंग यूजर को डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉलर धिस डी बी वेयर, देन जो भी आईडी हो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वेयर कंडीशन लगेगी। देने लेकिन डॉलर हिज डी बी डिलीट, ये सब सीआई के प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड कराता है। हमें डिलीट किस टेबल में करना, टेबल का नाम जैसे उसके पैरामीटर, तो हमें लिखेंगे स्टाफ टी ए डबल स्टाफ, देन सेव करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद हम देंगे रिडायरेक्ट, देन रिडायरेक्ट में देंगे बेस यू आर एल डॉट, देन इसके अंदर हम हमारा पूरा जो एग्जैक्ट पाथ है वो दे देंगे। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, देन इंडेक्स डॉट पी एच पी तक इसे पूरा कॉपी करेंगे, कॉपी देन यहाँ से करते हैं पेस्ट। तो इसे करते हैं सेव, देन यहाँ से हम करते हैं इसे रिलोड। तो ये देखिए हमें एरर मिल रही है स्टाफ पर लाइन नंबर 52 पर, तो हम चेक करते हैं लाइन नंबर 52 पर क्या एरर है। तो स्टाफ में लाइन नंबर 52 पर एरर, तो ये यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने, तो हम इसे यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे। देन इसे हम करते हैं रिलोड, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो हम इसे करते हैं डिलीट, इसे हम डिलीट पर क्लिक किया, तो देखिए हमारा जो स्टाफ था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने स्टाफ को ऐड किया, देन वो शो करवाया, देन डिलीट किया था। एक बार हमारा एक बार पूरा फ्लो जो था हमारा स्टाफ सेशन, एक बार हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं कि हमारा फ्लो क्या था हमारी इस पूरे सेक्शन को बनाने का। तो सबसे पहले हम स्टाफ को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं स्टाफ का नाम देता हूँ, देन ईमेल फिल करेंगे, देन उसके बाद डी ओ बी सिलेक्ट की होगी, देन जॉइन डेट, देन एक्सपीरियंस, देन उसके बाद उसकी जो भी सैलरी होगी वो, देन यहाँ पर तो अदर इन्फॉर्मेशन होगा, तो देन ऐड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए स्टाफ सक्सेसफुल एडेड, देन ओके करने पर पेज हमारा रिलोड होगा, देन यहाँ पर स्टाफ की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। देन सेकंड टास्क ये है कि हम इसे एडिट करना है, तो हमें एडिट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर मैं देता हूँ 1, देन मैं एंटर हिट करता हूँ क्योंकि ये हमारे टेम्पलेट में सेटअप है, एंटर हिट करने पर फॉर्म सबमिट होता है। तो ओके करने पर हमारा पेज रिलोड होगा, देन ये देखिए डिपेंड 1 हो चुका है। देन लास्ट टास्क ये था हमारा कि जो पर्टिकुलर स्टाफ है उसे डिलीट करना, तो इसके लिए हम करेंगे डिलीट पर क्लिक। जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये हमारा स्टाफ जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टाफ डिलीट करने तक का सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमारे सेक्शन में हम कर चुके हैं जो था हमारे कैटेगरी हमने ऐड करी, देन उसके बाद क्लासेस को हमने ऐड करवाया, देन उसे अपडेट डिलीट करवाया, देन उसके बाद हमने कोर्स एडिट अपडेट डिलीट करवाया है, देन यहाँ पर हमने स्टाफ को एडिट अपडेट और डिलीट कराया है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट थे उन्हें हम
ऐड कर चुके थे, तो अब स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है तो उनकी अटेंडेंस मैनेज करना है। तो यहाँ से हम अगले सेक्शन में, अब जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबकी अटेंडेंस मंथली और ईयर वाइज उनके सेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, तो उनकी पूरा शेड्यूल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी किस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसके आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।